जंगो लिंगो संस्थान आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से आए हुए मेरे साथ हमारे जो मेहमान आत्राम रघुनाथ जी और उनके साथीदार अपना मेरे साथ मेरा भाई होता केंद्र एडवोकेट साहब और मेरे साथीदार गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर उन्हों शंकर जी उनको भी जैसे हमारा जो शेखू साहब बलमपुर से आए उन्हों भी जंगोलिंगो संस्था में ऑलरेडी काम कर रहा है 10-20 साल से उनको भी मेरा प्रणाम और आदिवासी आर्टिस्ट है हमारा जो मड़वी राजेश्वर उनको भी मेरा प्रणाम और यहाँ जो वीरदंडी है वीरदंडी से आए हुए मेरा भाई हरिदास जी और यहाँ पे रिपोर्टर है रिपोर्टर दादा और जो हर एक जो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर एक गांव में ले जाने वाला हमारा मंगम साहब विशम राव साहब उनको भी मेरा जंगोलिंगो हमारा गोटुल तरफ से जय सेवा और यहाँ के जो भाई और बहनियों सबको आए हुए मेहमानों को और गांव से पटेल है यहाँ पे ये एरिया में पटेल नहीं है बहनियों संदीप नावा यायलिक दादालिक भाई सेलाक मियाक संदीप नावा जय सेवा। आज हम कहीं पर आए बोले तो जो हमारा जो 2016 से जंगू और लिंगो का जो जंगो लिंगो बोले तो जो हमारा गोंडवाना कोया पुण्यम गोंडवाना कोया पुण्यम में लिंगो लिंगो हमारा गुरुदेव है लिंगो हमारा गुरुदेव और जंगो आप नाम सुना कभी जंगो का रायताड़ जंगो ये जंगो और लिंगो ये दो आदमी जो हमारे को जो हमारे पेरेंडेकड़ा कोया पेन कहाँ पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे काचरगढ़ में जो यादि स्थल था वो हमारा पुण्यभूमि है आदिवासियों का पुण्यभूमि काचरगढ़ में हमारा जो 12 सगा के देव लोग थे वहाँ पे ऐसा आज कैसा हम धर्मसभा बैठे वैसा धर्मसभा वहाँ पे मीटिंग हुआ था तो मीटिंग कौन लिया हमारा कुलदेव सबसे बड़ा कुलदेव है शंभू माधव सुना है नाम शंभू माधव शंभू दौरायन थे आदिवासी थे शंभू दौरव शंभू माधव ने ऐसा गोंडवाना धर्मसभा आज जैसा बिठा है वैसा गोंडवाना धर्मसभा जो काजरगढ़ में बिठाया था जो मीटिंग सभा होने का बाद जो ये पारंपरिक के बात आजकल के बात नहीं बोल रहा मैं ये जो हजारों करोड़ों साल के बात है ये शंभू माधव ने शंभू दौरा वहां पे काजरगढ़ में बिठाया सो मीटिंग जब हमारे जो पेरमेकड़ा कोया पेन बोलते 12 सगा के लोग जो मैं मेरा पेंदोर मेरा घर का नाम है पेंदोर अर्जुन सर है मैं बोले तो मेरा देव छे देव हाँ यहाँ पे रघुनाथ साहब है उन्हों आत्राम है आत्राम मीन्स उनका छे देव हाँ यहाँ पे मड़ावी राजेश्वर मड़ावी उनको सात देव ऐसा आप लोग भी होंगे ना उनसे कौन से पार्टी के हाथ ऊपर करो मेरे को छे देव वाले कौन है आत्राम सहादेव पेंदोर राइट ओके नीचे करो सात देव वाले कितने हैं सात देव वाले 10 चार देव वाले ज्यादा है राइट नीचे करो पांच देव का आपका पाड़ी क्या है पाड़ी का नाम बोलो आपका पाड़ी घर का नाम आड़नाव तुमके आड़नाव का है सोयम हाँ राइट बसा हाँ पांच देव मल्ला तक तुम्हें सोयम की किना के काय है कि ते सांगाओ ते आड़नाव मल्ला तर पाड़ी मानते तेलंगाना मध्ये तुमच्या पाड़ी काय मल्ला तर माझी आड़नाव पेंदोर मल्ला तर मी सहादेव असं सहादेव मल्ला तर ते ना मड़ावी होते अजू को कोण होते मेसराम होते मरसला असं ऐसा जो हमारे जो 12 सगा के देव को वहां पे पेरनेकड़ा बोलते उनको पेरनेकड़ा बोलते 12 सगा के देव को श्री शंभू माधव ने वहां पे काचरगढ़ में मीटिंग रखा था मीटिंग होने का बाद जो हमारे पेरनेकड़ा को है पेन को पूरा उन्होंने 5 पकवान का जेवन दिया 5 पकवान में खाने को ऐसा पूरा बिठा दिया बिठाने के बाद सबको क्या क्या होना पूरा अपने 5 पकवान का जेवन दिया लेकिन हमारे ये 12 सगा के पेन को और कुछ होना था और कुछ अरे ये तो हम रोज खाते लेकिन और कुछ नया होने का था बोल के कुछ मन में शंका आया जब शंभू माधव ने इनका शंका को पहचान लिया पहचान कर उन्होंने
उनका माया से उसको वर्चे बोलते हैं, इसको वर्चे तो बता लेते हरडी जो वो माया से बनाकर छोड़ दिया हमारे गोण देवों के सामने। गोण देव क्या करे, पूरा खाने का छोड़ के पीछे भागे, वो भागते भागते वो क्या है अंदर घुस गया, भगत देख कर हाँ वो पत्थर में घुस गया, ये लोग भी पत्थर में घुस गए जब शंभू माधव को उन्होंने पत्थर मार दिया। कई को मार दिया, आदिवासी लोग, आदिवासी हम शंभू माधव के बड़े बेटे हैं, सभी आदिवासी, आदिवासी लोग शंभू माधव के बड़े बेटे। गोंड, गोंड बोले तो ये पृथ्वी में गोंड, वर्ल्ड में गोंड, ये ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब कुछ, ये यहाँ ये भारत है, नौकंठ पृथ्वी है, वहां भी गोंड। अब जो गोंड बोले तो आदिवासी हम, ये जमीन, जब जमीन धरती और ये चंद्र सूर्य अभी लगाए ना यहाँ पे, चंद्र सूर्य ये कब पैदा हो गए, जब आदिवासी लोग हम पैदा हो गए, दूसरे समाज नहीं है। उतना बड़ा जात, उतना बड़ा जात, फिर अपने समाज कहाँ है अभी, अपना समाज कहाँ है, दूसरा समाज अपने से पीछे आके डेवलपमेंट हो गए, फिर अपना आदिवासी समाज पीछे में है, कई को है, क्या हो गया अपने समाज को। खेती करे तो बरकत नहीं आता, एजुकेशन करे तो एजुकेशन नहीं आता, नौकरी करे तो भी उन्हें पहली पहली तारीख तक, 30 तारीख फिर लंगच कई को। और जो उन्होंने पॉलिटिक करता ना, पॉलिटिक बोल तो पॉलिटिकल लीडरगिरी, राजकारण करे तो भी 5 साल फिर चप्पल भी नहीं मिलता कई को। क्या हो गया अपने समाज में, क्या हो गया, विचार करना, विचार विचार करना, क्या होगा, बरकत नहीं आ रहा। जो हमारे जो भाई बहने हैं यहाँ पे दूसरे समाज में देखो, उनके गले में 10-10, 20-20 तोला के सोना रहता, इतना समाज में कहीं को नहीं है। हमारे समाज में क्या हो गया, हमारा समाज में क्या हो गया, तो हमारा समाज का विचार आचार, विचार आचार कहाँ है, वहां शंभू का स्थल है। तो विचार आचार में चले गए क्या, कुछ रीति विचार में चले गए क्या, कुछ काम धंधा में कम हो गए क्या, किस में चले गए हमारा समाज, किसको पूजा करना भाई, कौन सा भगवान को पूजा करना, कौन सा भगवान का पूजा करना। कुछ लोग बोलते हमारा गोंड है, आदिवासी है, इसको माँ दुर्गा को पूजा करूँ, लक्ष्मी को पूजा करूँ, सरस्वती को पूजा करूँ, किसको पूजा करूँ, किसको पूजा करे तो हरकत बरकत आता अपने समाज को। हमारा समाज का दलिंदर कब चले जाता, 50,000 करोड़ साल से आदिवासी जो पैदा हो, जमीन पैदा होगा जब से आदिवासी है, फिर हमारा तकदीर कई को वैसा है। तो हमारा शंभू माधव का पाप है, शंभू माधव जो हम जब भागा ना, वो क्या जंगल बोलते खराड़ी, उसका पीछे भागे पत्थर में घुस गए। क्या बोलो तो शंभू माधव के बड़े बेटे है, बेटा गलत करे तो पिताजी को गुस्सा आता ना, बेटा कुछ गलत काम करे तो पिताजी को गुस्सा आता, माँ को भी गुस्सा आ रहा, बदमाश माँ बाप का बात नहीं सुन रहा तो उधर गलत काम करता, गलत काम ये काम करता, वैसा मेरा बात कहीं को नहीं सुन रहा बोल के शंभू माधव को, शंभू दवरा को गुस्सा आया। इसलिए हमारे जो आदिवासी लोग है, कितना भी ऑल इंडिया में, उनको यादी में डाल दिया। यादी मीन्स उसको हरकत नहीं आता, एजुकेशन नहीं आता, काम करे तो भी बरकत नहीं आता, कितना काम करे तो भी कुछ भी नहीं आता। तो यादी है, उसे उसे बोलते यादी, यादी उसे बोलते यादी, यादी बोले तो एजुकेशन, जो उन्होंने पढ़ाई करे तो भी पढ़ाई भी नहीं आता, खेती काम करे तो भी खेती में भी हरकत बरकत नहीं आता, जो मजूरी करे तो मजूरी में भी हरकत बरकत नहीं आता, जो राजकारण करे तो भी राजकारण में भी हरकत बरकत नहीं रहता। हमारे जैसा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नौकरीदार रहे तो भी नौकरी में भी 30 तारीख का बाद में लंगा होता, इसीलिए उसको जो आचार विचार नहीं है हमारे समाज में, इसीलिए आचार विचार नहीं है। आचार विचार कहाँ है, वहां हरकत रहता बरकत रहता। दूसरा समाज में अपन बोलते आ रही हो, दूसरा समाज बोलते, लेकिन दूसरा समाज में आचार विचार है, इसीलिए उनका हरकत बरकत है। फिर हमारा समाज में क्या हो गया, इतना जमीन जब पैदा होगा, ये चंद्र और सूर्य ये कब पैदा हो गए, जब अभी जो पुराने जो यहाँ के हमारे जो मां रहे थे उनको यहाँ पे चंद्र सूर्य का निशान रहता, कभी देखे आदिवासी भाई लोगों के आप ये एरिया में भी चंद्र सूर्य तो वो हिसाब से रहता है यहाँ पे। आप लोग बड़े लोग किसको भी
चांद चांद और सूरज जो तुम्हारे जो बुढ़ी जो पुराने जो रहते उनका ने निशान रहता देखे पहले इसमें है अभी किसमें नहीं है तो आपका रीति विचार खराब होगा इसलिए ये अपन भटक रहे यहाँ पे। तो वो किसका पूजा कर रहे थे ये देखो लिंगाल सूरज बोले तो लिंगाल रात में चांद निकलता उसको जंगू बोलते जंगू रायताड़ लिंगाल और जंगू रायताड़ का सेवा करते थे। जब गोल्ड भारत देश में 2500 यहाँ पे किले है भारत में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लेकर यहाँ पे महाराष्ट्र तक तेलंगाना तक पूरा 2500 किले अपने गोंड आदिवासी के थे। फिर वो किले चले किधर चले गए? हम जो आदिवासी लोग है राजा लोग है राजा लोग फिर राजा का खानदान किधर चले गया? तो हमारा भक्ति भाव पेरसा पेन का पूजा चले गया रायदार जंगू का पूजा भूल गए पांडी कुपाल लिंगा का पूजा भूल गए इसीलिए हमारे को शाप लगेगा 50,000 करोड़ के साथ। इसीलिए खेती काम करे तो भी बरकत नहीं आता पूजा करे तो भी तुम्हारे किस कौन सा भगवान का पूजा करते बोलो। अभी हम आए यहाँ पे ये स्थल में ये पांडी कुपाल लिंगा और रायतर जंगू का जगह है। ये जगह में मैं एक बात बोलता हूँ हमारा बड़ा पिताजी रहता उसको गोंडी आता ओके उसको गोंडी चाहता दूसरा लैंग्वेज नहीं आता तो मैं उसको गोंडी से बात करे तो उसको अंडरस्टैंड होता ना उसको मराठी बोलता अंडरस्टैंड होता नहीं होता। हमारे देवों को गोंड आता आदिवासी की देव है जंगूबाई पांडे कुपाल लिंगा रायताड़ जंगू जंडा मुंडा ये सब कुछ देवा है ना उनको गोंडी भाषा आता दूसरा भाषा नहीं आता मालूम याद रखो वो पूजा गोंडी भाषा से पूजा होता। हाँ ते विसरून गेले ते विसरून गेले त्याच्यासाठी आमचा समाज तिथे पडले त्याच्यासाठी आलो आम्ही त्याच्यासाठी रायताड जंगूची पूजा गोंडी मंदिर मंत्र हाय पांडुकुपा लिंगाची पूजा गोंडी मंदिर मंत्र हाय ते गोंडी मध्ये बोला तेव्हा तुमचा ते गोष्टी मीन्स तुम्हारा बात को समझ में आता। जो हमारे मंत्र हिंदी से बोलेंगे तेलुगु से बोलेंगे नहीं सर क्या बोल रहा है इधर चले जाओ नीवा मातृभाषा से वड़का अरे ना और कांडी बात और वरा बोल के बोलता आपका मातृभाषा से बात करो अरे मेरा बेटी आया मेरा बेटा आया आ जाओ बोल के तुम्हारा रायतर जंगो और लिंगा बोलता। इसीलिए हर पुष महीना बोलो तो हर जनवरी में हम 20 साल हो गए यहाँ के एडवोकेट साहब है अपना रघुनाथ साहब है जो कुछ हमारे जो युवता है मेरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं तो समाज सेवा का वास्ते समाज हमारा जागरूक करने का है। हर गांव में जाके जो हमारे जो आदिवासी है आदिवासी के लोग को उनको भाषा भूल गए आदिवासी आप सब लोग आदिवासी है लेकिन भाषा भूल गए खाली नाम है नाम है 6 देव 7 देव गारंटी क्या है हा? तो मातृभाषा बोलो भगवान को भी वैसा हाँ भाई एग्जाम्पल बोल रहा हूँ क्या बोलो तो जो मातृभाषा है ना मध्य प्रदेश में हिंदी बात बोल रहे महाराष्ट्र में मराठी बोल रहे हैं अभी उधर आंध्रा है गोदावरी अपना आंध्रा उधर तेलुगु बात बोल रहे तो क्या होगा बोले तो आदिवासी का पूरा भाषा चले गया अस्तित्व चले गया तुम्हारा पैसा पेन चले गया रायताड़ जंगू का पूजा चले गया पांडुकुपा लिंगा का पूजा चले गया खाली वो 6 देव 7 देव 5 देव बोल रहे तुम अरे चले जाते इसीलिए तुम्हारा रिजर्वेशन निकल देते याद रखो आदिवासी का तुम्हारा भाषा तुम्हारा संस्कृति तुम्हारा पूजा ये कब भूल जाएंगे जब तुम्हारे को रिजर्वेशन से आदिवासी से निकाल देते याद रखो। इसीलिए तुम्हारा संस्कृति तुम्हारा भाषा तुम्हारा देव रायताड़ जंगू रायताड़ पांडुकुपा लिंगा उसका जनवरी में हर महीना तुम एक महीना तुम उनका सेवा करो रायताड़ जंगू का पांडुकुपा लिंगा का जो आपके जैसे जो माँ हमारे जो बच्चे नौजवान भी कोई भी दीक्षा डाल सकते हैं। इसीलिए हम प्रचार को आए यहाँ पे जो हमारे जो लेडीज रहते आदिवासी के उनको भी वरा वरा जंगू बोल के तुम्हारे को मंत्र बोलते गोंडी से तुम्हारा भाषा सुनता वो हमारे को कोई मंत्र बोला गोंडी से नहीं बोला कौन सा पूजा हरे राम विट्ठल वो पांडुरंग अरे चले जाओ चलो गेट आउट बोलता तुम्हारा माँ है तुम्हारा माँ को अरे भाई आया वर बोले तो आता ना और दूसरा बोले तो नाम बोला तुम चले जाओ रुपये तुम कौन है कि क्या है कि हम आदिवासी बोले तो तुम यहाँ पे बैठ गए ना।
आदिवासी आए भाई, फलाना आंध्र से आए, तेलंगाना से आए, आदिवासी लोग है, क्या बोलते के बोल के सुने। दूसरा लोग आ रहे बोले तो आप लोग बैठ जाते कि दूसरा लोग बोले थे चले जाओ, कौन है कि क्या है कि? इसीलिए भगवान को भी हमारा जो मातृभाषा है गोंडी भाषा, जो पेरसा पेन है, पांडकुपा लिंगाल, रायतड़ जंगू, ये है ना, इनको गोंडी से हर पूस महीना, हम पूस महीना बोलते हैं जनवरी में, अभी जो आरा सो महीना ये दिसंबर है, अगला महीना दिसंबर होने के बाद जनवरी में हर पूस महीना, और पूस महीना में हमारे जो दादा लोग और भाई लोग, लेडीज कोई भी नौजवान बच्चे, एक महीना चप्पल, अब हम गवर्नमेंट, मेरे को 1,00,000 रुपए नौकरी है, लेकिन एक हम स्टार्ट होगा जब से चप्पल नहीं पहनते, क्यों बोले तो रेस्पेक्ट देना, हमारा माँ बाप है पांडकुपा लिंगो और जंगू, हमारा माँ बाप है, उनको रेस्पेक्ट देना, उनको एक महीना अपन रेस्पेक्ट करे तो, उनका पूजा करे तो हमारे को हरकत बरकत आता। मुसलमान उन्होंने रमजान महीना में उन्होंने एक महीना रहता ना, मुसलमान उन्होंने खाता नहीं खाता, दिन भर उपवास रहता। गोंड लोग आदिवासी लोग भी, हम लोग जनवरी में लिंगू और जंगू का एक महीना उपवास पकड़ने के, जो आदिवासी एक महीना उपवास पकड़ेगा उसका घर में हरकत बरकत रहता। जो आदिवासी लोग कोई भी होंगे ऑल इंडिया में, एक महीना रायतड़ जंगू और पांडकुपा लिंगू का उपासन करेंगे ना, उसको 100% हरकत बरकत उसका घर में रहता। खेती काम करो बरकत आता, नौकरी करो बरकत आता, तो जो आप राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल करो बरकत आता। इसीलिए हमारा विचार आचार बोलने वाले थे, कोई आके बोले ऐसा नहीं बोले, काले ऐसा सापे ये दस ये है तो दाल ना, जय क्या जय सेवा, हाँ वैसा नहीं रहता। पूजा करो, पूजा खाली ये हल्दी लगाने से नहीं होता, हल्दी लगाने से नहीं होता, उसका गोंडी से मंचर रहता, गोंडी से, गोंडी भाषा से, वरा वरा जंगो पेशी तुम पुण्य सरदू ने रायताड़ जंगो, उसका जो मंत्र तंत्र गोंडी से रहता, वो गोंडी से जो एक महीना सुबह शाम पूजा करेगा तो हर एक गोंड का मनोकामना 100% जंगू भाई और पांडकुपा लिंगाल करते। वो हमारा आदिवासी का संस्कृति है, जो काचरगढ़ में भी आज भी जो यादी जो निकाला, जो हमारा पांडकुपा लिंगाल बोले तो ये अपना सूरज, जंगू बोले तो चांद, ये हमारा निशान, हमारा पहचान, ये वरल में आदिवासी अपन बड़े खानदान के लोग है, आदिवासी कमजोरी नहीं है, लेकिन कई को कमजोरी हो गए बोले तो अपना विचार असर चले गया, अपना जो माँ बाप का पूजा, माँ बाप का रायताड़ जंगू और पांडकुपा लिंगू, श्री शंभू का पूजा चलेगा। शंभू कौन है? शंभू दवरा आदिवासी का बाप है, उनके बेटे बड़े बेटे हम है, लेकिन कोई बोला शंभू दवरा तुम्हारा पिता जाए, कोई बोला कि नहीं बोला, मेरा जैसा महाराजा है उन्होंने किधर की लेगा खींच के, उधर पूजा करो, इधर ये आरज, तुम आरज पूजा करने से भी नहीं होता, आरुदी कितना करे तो भी नहीं होता, वो दूसरा समाज का भगवान है, तुम्हारा माँ बाप रायताड़ जंगो और पांडकुपा लिंगो, ये है, इनका पूजा करो, एक महीना उपासन करो, जो हमारा लेडीज कर सकते, बूढ़े कर सकते, बच्चे करते, कोई भी कर सकते उसका पूजा। इसीलिए दीक्षा यहाँ पे आप लोगों को पाम्पलेट दिए, वो पाम्पलेट पढ़ो, पढ़ के हमारा जो हरिदास रे हमारा और हमारा मेहमान बोलो तो हमारा भाई से एडवोकेट अपना जो रिपोर्टर और यहाँ के दादा उन्होंने भी दीक्षा वाला थे ना, दीक्षा वाला थे, जो कुछ डाउट रहे तो उनको पूछ सकते, पूछने के बाद सुबह कब उठना, जंगू का पांडकुपा लिंग का आरती कब करना, कैसा करना, वो पूरा डिटेल्स वहाँ पे गोंडी भाषा से रहता, वो गोंडी भाषा से आप सुबह शाम पूजा कर सकते, ऐसा आज कैसा अपन सब मिलके बैठ गए, वैसा दीक्षा डाल के धारण रहे तो सब कुछ पूजा का पाठ में पूरा बोल सकते हैं। हमारा महाराज लोग भी आते, उनको मराठी परफेक्ट आता, जो हमारे को क्यों बोले तो मातृभाषा हमारा गोंडी से बोलते, जो आदिवासी लोग है ना, हम गोंडी से ज्यादा बोलते, हिंदी बोलता, लेकिन अब फर्स्ट मीटिंग मेरा यही है हिंदी से बोलने का, नहीं तो एक्चुअल का मैं गोंडी भाषा बोलता हूँ, और अपना सरपंच साहब उनको भी मराठी आता, फिर भी आप तो समझ गए ना, पूजा कराओ, पूजा पाठ कैसा कराओ, अब भाई लोग कसा पाठ कराओ, ते काय म्हणलं तर पुरा गोंडी भाषा तून ते लिहिलेचं आहे, आपला कुसराम महाराज त्यांना मिलिटरीमध्ये होता, आमच्या आदिवासीच मिलिटरीमध्ये होता, त्यांना एक गोंडी
कुयम गोंडी पुण्यम कोया सार मनो ते बुक लीव ला ते बुक मध्ये कसा पूजा पाठ कराव कसा तिचा वर्जुला कराव आपला आदिवासी देव गंगुआजी लिंगोचा पूजा कसा करा म्हणून त्यांना सांगितलं. एक महिना तुम्ही पूजा केला तर तुमचा काय भी हो मनोकामना ते सक्सेस होते. आम्ही 20 साल दीक्षा हर 20 साल झालो मी दीक्षा 20 साल होगा मैं हर साल मैं गंगुआ और लिंगो का हमारे जो मैडम रहता जो हम कभी भी हम दीक्षा डालते क्योंकि मेरे तो हमारा भगवान है हमारा मेहमान है जो हमारे जो मेरा माँ बाप है रायतर जंगो और लिंगो बोल के हम 20 साल से डाल रहे हैं और प्रचार हर गांव में जो हमारा एडवोकेट साहब है और अपना सरपंच साहब है हम फिरते रहते क्यों बोले तो हमारा समाज ये रूट से तो भी सुधरेगा डेवलप होगा बोल के हम ये आपको बोलने को आए. इससे बोलने से हम तुम्हारा हमारे को कुछ मिलने वाला नहीं है ये करने वाला नहीं है लेकिन हमारा समाज हर एक अभी हम गढ़चिरौली उधर सिरोंचा भी गए थे तो हमारा समाज जो ये रूट से डेवलप होता तुम्हारे गवर्नमेंट देने से नहीं सुधरता कोई ऑफिसर आके दिए तो भी नहीं पूरता तुम्हारे को तो विचार आचार का रूट पकड़े तो ऑटोमेटिक दूसरा समाज कैसा डेवलप होगा आप समाज भी डेवलप होते नहीं तो अपन जमीन कब फायदा होगा जब फायदा होगा से लोग आप कभी भी किसको भी पूछो दूसरा समाज को पूछो कोई मुसलमान को पूछो हिंदू को पूछो किसको भी पूछो आदिवासी पहला पैदा होगा सो जात है. आदिवासी जो आदिवासी लोग हम जमीन का पैदा होगा जब पैदा होगा सो जात है लेकिन हमारा अस्तित्व ये कैसा है देखो ना अपना हालत कई को तो हमारा रीति विचार बरोबर नहीं है तो हमारा रीति विचार मीन्स माँ बाप को सलाम करना माँ बाप को सलाम करना बोल के कोई बोले बड़े लोग अपने अरे तुम्हारा माँ है तुम्हारा पिताजी है सुबह उठ के तुम्हारा पिताजी का थोड़ा तो भी दर्शन करो बोल के कोई बोले कि बड़े आदमी अपने घर में दूसरा समाज में बोलते मुसलमान में बोलते अरे अल्लाह को मानो माँ बाप को मानो बोल के बोलते अपने समाज में कोई बोलते नहीं बोलते. मेरा जैसा थोड़ा सरपंच और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पिताजी नीचे मैं कुर्सी में और ऐसे हाथ में सिगरेट फक फक पी तो कहां से बरकत आता भाई तुम्हारे कहां से आता. इसीलिए विचार आचार हमारा गांडू है आदिवासियों का इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आदिवासी लोग कहां पे भी सुधर भी नहीं तेलंगाना में बराबर है छत्तीसगढ़ पूरा यही से कल परसों हमारा कौन है अपना विषम राव साहब ओडिशा जाके आया यहाँ के लोग तो भी अच्छा है ओडिशा में वो जो अपना ये क्या है खेत में मांडवा डालते ना मांडवा के ऊपर रहते कहते हैं घर भी नहीं है देखो अपना परिस्थिति क्या है और आदिवासी कब पैदा हो गए ये जमीन और ये चांद सूरज कब पैदा हो गए जब है जबके खानदान है उत्तम बड़ा खानदान सबसे पूरा फर्स्ट खानदान फिर लास्ट में कहते है तो विचार अचर बराबर नहीं है खाने का पीने का एंजॉय करने का कहाँ डेवलप होता बोलो कोई IAS हो गए आदिवासी लोग इधर आपका महाराष्ट्र है ना महाराष्ट्र में IAS कुछ कोई है वो तहसीलदार कोई गिरदावर कोई भी नहीं है तेलंगाना में भी नहीं है आंध्र में नहीं है फिर किधर गया सबसे पैदा अपन हो गए आदिवासी है लेकिन आदिवासी को भी क्या बोलते मालूम.